इसका जो साइज है पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका साइज दोस्तों ये रहा 110/80/17। दोस्तों ये जो टायर होता है ये अपाची का रियर टायर है, बैक टायर है। और आज जो हमारे पास टायर हैं वो सीएट का है, सीएट का ये रहा, और ये टीवीएस, ये एमआरएफ का है और ये टीवीएस का है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि कौन सा टायर आपको लेना चाहिए और मार्केट में इनके रेट क्या क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एमआरएफ का टायर, इसका भी साइज यही है 110/80/17। ये रहा दोस्तों एमआरएफ, ये नाइलो ग्रिप के नाम से आता है, नाइलो ग्रिप जैपर, ये देखिए दोस्तों जैपर सी। और इसका मैं आपको साइज़ और दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए ट्यूबलेस टायर हैं, सारे ट्यूबलेस टायर हैं। ये अपाची का जो नया मॉडल होता है उसमें टायर लगता है, इसका साइज़ ये रहा 110/80/17। तो दोस्तों आज हम एमआरएफ का जो टायर है काफ़ी वैसा अच्छा लगता है जैपर में, टायर में जैपर जो दोस्तों इन चीज़ों को हम जैपर बोल देते हैं। ये टायर गुड्डी में नहीं आते, जिनको ये टायर जो जैपर में ही आते हैं। तो एमआरएफ का टायर काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे देखने में, काफ़ी एमआरएफ का जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, रबड़ की टायर काफ़ी हार्ड है और टायर में जान है, बस टायर एक साइड से पीछे चल रहा है। गारंटी इसमें गारंटी 5 साल है, फूल नहीं चटकने की खाली, मतलब टायर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर बदला जाएगा, बस ओनली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर टायर क्लेम होगा, ना कि टायर जैसे कट जाता है या फट जाता है उस चीज़ की गारंटी कंपनी नहीं दे रही है। इसके जो रेट हैं मार्केट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो रेट हैं लगभग 1600 से लेकर 1700 तक आपको दोस्तों मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा एमआरएफ का टायर, अब हम रिव्यू करते हैं सीएट का टायर। ये है सीएट का टायर, सीएट का टायर भी काफ़ी अच्छा है देखने में, जैपर जो इनकी जो डिज़ाइन है जो काफ़ी अच्छी लगती है जब बाइक में लग जाता है ये टायर, ये चीज़ जो इनका थोड़े बिजली टाइप का जो इनका डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगता है। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी सीएट की ब्रांडिंग ये रही और साइज़ दोस्तों ये रहा 110/80/17। तो दोस्तों सीएट का टायर वैसे तो काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा सीएट में जो मेरे को लगता है सीएट की जो घिसाई होती है, यानी कि टायर घिसने की, वो शिकायत थोड़ी ज़्यादा आती है सीएट के अंदर। सीएट का टायर थोड़ा जल्दी घिस जाता है, मतलब पूरी ज़िंदगी में अपना जो पूरी ज़िंदगी होती है वो जी नहीं पाता उससे पहले ही, काफ़ी कंपेयर टू जैसे एमआरएफ टायर काफ़ी देर से इनकी जो घिसाई है काफ़ी कम है, पर सीएट टायर की घिसाई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है मेरे को। बाकी टायर अच्छा, टायर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफ़ी अच्छा टायर। ये देखिए तो सीएट की जो गारंटी आ रही है दोस्तों वो 3 ईयर तो कट की गारंटी आ रही है प्लस फटने की, और 5 ईयर मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट, यानी कि 3 इसमें टायर कंपनी सीएट कंपनी क्लेम कर देगी कट पर भी, और फूलने चटकने पे तो कर ही देगी जो मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं। 3 साल की कट की है और 5 साल फूलने चटकने आ रही है इस पर। तो टायर की जो रेट होंगे मार्केट के अंदर ये भी समथिंग 1700 लेकर 1800 तक के आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। और जो लास्ट टायर है हमारे पास ये है टीवीएस रिमोरा, टीवीएस की ब्रांडिंग मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ, ये रही इसके पीछे टीवीएस टायर्स। टीवीएस टायर की जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है इनकी गारंटी और इनका क्लेम, टायर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। टीवीएस का जो टायर है काफ़ी अच्छा टायर है और कम रीजनेबल रेट जो है इनके, अच्छे प्राइस पे टायर अवेलेबल कराते हैं, प्लस एक्चुअल गारंटी जो होती है इनकी, टायर जो गारंटी बोलते हैं वो गारंटी क्लेम भी कर देते हैं। तो इनकी जो गारंटी है दोस्तों वो 5 साल की आती है, ऑल जितनी भी मतलब कुछ भी हो जाए टायर में, चाहे कट जाए चाहे फट जाए चाहे मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, ये टायर क्लेम करा देते हैं और बहुत आसान तरीके से टायर क्लेम करा देते हैं। तो टायर की ग्रुपिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है और टायर का जो रबड़ है वो भी काफ़ी अच्छी है,
रबड़ की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों इसका जो रेट होगा दोस्तों मार्केट के अंदर, ये ट्यूबलेस टायर है ये मार्केट के अंदर 1700 करीब का ये भी होगा मार्केट में, मतलब है 1650-1700 के बीच में आपको मिल जाएगा ये टायर। रियर टायर हैं दोस्त, तीनों ही रियर टायर हैं। तो दोस्तों आखिरी में आपको जो टायर लेना चाहिए, या तो आपको MRF का टायर लेना चाहिए या TVS का, क्योंकि MRF का टायर काफ़ी कम घिसाई के साथ आपको सर्विस देगा, बट TVS का टायर आपको गारंटी अच्छी प्रोवाइड कराएगा। तो आपको या तो MRF देख लेना चाहिए या TVS। CET मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, तो घिसाई थोड़ी ज़्यादा है CET की। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।